आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, खबर सबसे पहले। खबर गाजीपुर के जमानिया से। कोतवाली क्षेत्र के सराय मुरादई गांव स्थित सरकारी देशी शराब की दुकान के सेल्समैन को बदमाशों ने गुरुवार की सुबह करीब 6 बजे गर्दन पर वार कर हत्या कर मौके से फरार हो गए। बिहार प्रांत के समस्तीपुर जिला अंतर्गत बमौरा गांव का रहने वाला कन्हैया सिंह 26 वर्ष सराय मुरादई गांव में सरकारी देशी शराब की दुकान में सेल्समैन की नौकरी करता था। जनपद मिर्जापुर के अरोरा थाना अंतर्गत बेलथरा गांव निवासी साथी सेल्समैन दिनेश ने बताया कि गुरुवार की सुबह करीब 5 बजे कन्हैया के साथ वह ताड़ी घाट राजवाहा की किनारे टहलने गया था, जहां से कन्हैया अकेले वापस दुकान पर चला गया। चाय की दुकान संचालक शशिकांत ने बताया कि कन्हैया ने चाय बनाने के लिए कहा और जैसे ही सीढ़ियों से चढ़कर बाहर खुले में पहुंचा तो अज्ञात बदमाशों ने उसकी गले पर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। चाय दुकान संचालक घबरा कर और घटना की सूचना मृतक के साथी सेल्समैन दिनेश को देकर दुकान बंद कर घर चला गया। वहीं लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पीएम के लिए गाजीपुर भेज दिया। वहीं घटना की सूचना पर एसपी ग्रामीण ने मौका मुआयना किया और जल्द मामले की खुलासा करने का निर्देश दिया। सीओ जमानिया सुरेश शर्मा ने बताया कि घटना के समय मौजूद चाय की दुकान संचालक शशिकांत एवं एक अन्य को पूछताछ के लिए बैठाया गया है। मामले में तहरीर मिल चुकी है, कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर जमानिया से नसीम खान की रिपोर्ट।